much awaited smartphone is here. Oh my God, OnePlus Nord 3 इंडिया में लॉन्च हो गया है और फोन भी आ गया है। ये हुई ना बात। OnePlus का ये Nord नंबर सीरीज बहुत ही पॉपुलर है। OnePlus Nord आया था, फिर Nord 2 आया था, उसको भी बहुत ज्यादा प्यार मिला। अब ये Nord 3 आ गया है, बट इसमें एक्साइटिंग ये है बहुत लंबे टाइम के बाद OnePlus Nord 3 आया है। इसको लेके बहुत सारे सवाल होंगे, फोन कैसा है, क्या खास है और OnePlus Nord 2 के कंपेरिजन में क्या क्या अपग्रेड है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो ये आपको कौन बताएगा, कौन बताएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे Nord लिखा हुआ है और यहाँ पर OnePlus Nord 3 5G है। ये इंडियन रिटेल यूनिट है। फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखा जाए तो इस फोन में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आए इस बार OnePlus। ओहो, ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक टी शर्ट है, ब्लैक कैप है, बिकॉज आई लव ब्लैक। ओहो ओके, इसमें हमारा ये स्माइली, ये ऊह यंत्र, ये सेफ्टी एंड क्विक स्टार्ट गाइड, ये स्टिकर्स है, ये ब्लैक कलर का सिलिकॉन केस है, ट्रांसपेरेंट नहीं है बट काफी सॉफ्ट सॉफ्ट है। ओहो हो हो ओके, ये रहा फोन। जिंदगी का असली मजा तो इसी में ही है। ओहो हो, हल्का हल्का देखा देखा लग रहा है। इसके अंदर ये चार्जर है, फास्ट चार्जर है, ये टाइप ए टू टाइप सी केबल है। तो ये है OnePlus Nord 3 का फर्स्ट लुक। बैक साइड से कुछ ये ऐसा दिखाई देता है और फ्रंट से कुछ ऐसा। बैक से देखने पे ये फोन थोड़ा सा कुछ देखा देखा लगता है, काफी हद तक ये बैक से देखने पे OnePlus Nord 2T के जैसा दिखाई देता है। एक्जैक्टली सेम तो नहीं लगता बट थोड़ा थोड़ा सा लगता है। ये फोन आपको दो कलर में मिल जाएंगे, एक है मिस्टी ग्रीन जिसमें आपको ग्लॉसी डिजाइन मिलता है और मेरे पास जो है ये है टेम्पेस्ट ग्रे, इसमें मैट फिनिश दे रखी है और मैट फिनिश की जो फीलिंग होती है आपको पता ही है। एक बार इसका वेट चेक कर लेते हैं। ओके, 192 ग्राम है। फोन भाई हल्का फील होता है जब आप इसे हाथ पे लेते हो। इसकी थिकनेस 8.15 mm है, सो इसकी थिकनेस ठीक ठाक है। अगर आप OnePlus Nord 2 से कंपेयर करते हो हल्का सा आपको ये मोटा फील होगा। सर्कुलर कैमरा कटआउट है और दो फ्लैश लाइट मिलते हैं, साइड से ये राउंड है। ओके, जो मेन चीज आपको देखने को मिलेगा वो है इसके फ्रंट में, डिस्प्ले में। फ्रंट से देखने में जो डिस्प्ले है वो ऑलमोस्ट बेजल लेस लगता है। ये देखो, आपको कोई बेजल्स नहीं मिलते हैं यहाँ पर। ऊपर देखो और साइड बेजल्स देखो, इवन चिन की साइड देखो। इसमें 6.74 इंच की एक 1.5 के AMOLED डिस्प्ले है। Nord 2 में आपको FSD प्लस डिस्प्ले था, यहाँ पर 1.5 के AMOLED डिस्प्ले यूज किया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी में एक बिग अपग्रेड है, बट क्या फायदा, डिस्प्ले 1.5 के है। आप लोगों ने देखना 360p पे है, चलो मान लो 480p। गजब बेइज्जती है। वैसे आजकल कर्व डिस्प्ले का जमाना चल रहा है बट यहाँ पर OnePlus ने एक फ्लैट स्क्रीन यूज किया है। बट प्लस पॉइंट ये है कि ये एक 120 हर्ट्ज फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले है। अगर हम सेटिंग्स पे जाते हैं, तीन ऑप्शन मिलते हैं इसमें, स्टैंडर्ड, हाई और एक ऑटो। ऑटो में इसका डिस्प्ले 40 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज चला जाता है। एक बार 120 हर्ट्ज पे इसको टेस्ट करते हैं। ये देखो स्मूथनेस, भाई स्मूथ तो है। एक बार यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, भाई स्मूथ तो फील हो रहा है। ये देखो, ओहो, एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं। अगर हम क्वालिटी पे जाते हैं, 2160p 60fps पे HDR पे आप वीडियो देख सकते, आपको कलर्स बहुत ही प्यारे मिलेंगे। एक चीज मुझे फोन बहुत ही तगड़ी लगी वो है इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो बेजल्स है भाई वाव। ये देखो डिस्प्ले देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा लगता है। साइड व्यू में कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, नीचे से देखो या फिर ऊपर से देखो, एकदम क्लियर विजिबल है। इसमें 1416 nits की पीक ब्राइटनेस है, तो भाई ब्राइट इनफ है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ग्लास है, उसमें Gorilla Glass 5 यूज किया गया है। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं भाई, थोड़ा हार्ड भी करो तो भाई स्क्रैचेस तो नहीं आ रहे, देखो बिल्कुल भी। इसका जो फ्रेम है आई थिंक ये पॉलीकार्बोनेट है और आगे की साइड में इन्होंने ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन यूज की है। चलो एक बार ड्रॉप टेस्ट कर लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों से गिराते हैं। गो। भाई हार्ड था, कुछ आया नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। एक बार बैक साइड से गिराते हैं, 1 2 3 गो। ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ। नीचे की साइड में ये सिम स्लॉट है, टाइप सी है और ये स्पीकर है। ओके, ये ड्यूल सिम स्लॉट है, कोई मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं है। चलो एक बार स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। ओह, स्टीरियो स्पीकर है, साउंड काफी लाउड लगा मुझे, क्लियर है। लेफ्ट साइड में ये पावर बटन है और ये देख, नहीं मैं नहीं मानता, अलर्ट स्लाइडर इज बैक। ऊपर की साइड में ये नॉइस कैंसिलेशन है, आयर ब्लास्टर है और ये स्पीकर है और लेफ्ट हैंड साइड में ये वॉल्यूम बटन है। एक बार दबा के देखते हैं, क्या बात है भाई, टेक्टाइल फील है और ऑफ कोर्स भाई इसमें AMOLED है तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। मैं आपके सामने टच कर रहा हूँ, अनलॉक हो जाता है, फास्ट कह सकते हो इसको आप। कैमरा मॉड्यूल पे एक बार ध्यान देते हो तो भाई सर्कुलर कटआउट है और यहाँ पे दो फ्लैश लाइट है। जो मेन कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ, ये Sony IMX 890 सेंसर के साथ आता है और ये एक फ्लैगशिप लेवल का Sony कैमरा सेंसर है। बाकी ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, ये भी Sony सेंसर के साथ है और ये 2 मेगापिक्सल। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट ये 2 मेगापिक्सल कैमरा ये परमानेंट है भाई, पीछे ही नहीं छोड़ता। ये फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का है। जो OnePlus Nord 2 था उसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता था, उसमें Sony सेंसर भी यूज किया गया था बट इस पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेंसर है। चलो एक बार सेल्फी लेते हैं यार। ओ भाई सेल्फी में तो क्लियर दिख रहा है यार। ओके, पोर्ट्रेट, ओह क्या बात है यार, आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से जो सेल्फी आई है, स्किन टोन काफी नेचुरल रखने की कोशिश की है स्किन टोन को, और डिटेल्स भी बहुत अच्छी है। ये देखो भाई मुझे दिखा दे रहा, और क्या चाहिए डिटेल्स में। ओके, टी शर्ट को इसने कुछ ज्यादा ही डार्क कर दिया है। देखिए पोर्ट्रेट मोड है भाई, पोर्ट्रेट मोड में भी अच्छा है, पोर्ट्रेट शॉट भी देखने में अच्छा लगा। और एक ये मेन कैमरे से फोटो ली है, एंड लुक एट द पिक्चर क्वालिटी, वाव। अगर आप जूम करते हो, लुक एट द डिटेल्स भाई, देखो डिटेल्स भी बहुत अच्छा है। एक बार आउटडोर में भी टेस्ट कर लेते हैं, कैमरे का फोकस चेक कर लेते हैं। भाई सुपर फास्ट है, ये देखो एकदम से फोकस कर लेता है। ये देखो, ओ भाई ये फास्ट है ये देखो। और अगर आप ओपन करते इमेज, प्रोसेसिंग भी काफी फास्ट लगी मुझे। आउटडोर में जो फोटोज है वो मुझे थोड़े से सैचुरेटेड लग रहे हैं। ये देखो, ये नॉर्मल मोड से ली गई है भाई। अगर मैं टी शर्ट के कलर की बात करूँ भाई, इसको हल्का सा इसने ग्रे कर दिया है। पोर्ट्रेट फोटोज अच्छे आते हैं। देखो अगर मैं जूम करता हूँ, एजेस भैया बहुत ही शार्प अट्रैक्ट कर लेता है, और बैकग्राउंड में ब्लर भी देखो काफी सही है। एक सेल्फी ले लेते हैं पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट सेल्फी है वो भी बढ़िया लगा मुझे। एजेस यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ये देखो यहाँ पे ये अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाया है। और सेल्फी भी भाई अच्छी आती है आउटडोर में। इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, 4K 60 FPS पे है, क्या बात है। और अगर फ्रंट पे जाता भाई, फ्रंट पे 1080p तक ही है। ओके, ये जो क्वालिटी है भैया 1080p फ्रंट कैमरे से है, और आपको क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा। अगर मैं ऐसे देखूँ तो भाई स्किन्स में जो कलर्स है वो अच्छे मिलते हैं, डिटेल्स भी अच्छी है फ्रंट से। और अगर आप बैकग्राउंड में देखते हो तो भैया जो स्काई है उसको पूरा वाइट कर दिया है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक ठाक आपको मिल जाती है। जब बाकी मोर ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा HD, स्लो मोशन, डुअल वीडियो, फिल्म, मैक्रो मोड है। बाकी इसके अलावा मैंने और भी कई डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में फोटोज लिए हैं। डायनेमिक रेंज आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इवन लो लाइट में कुछ फोटोज लिए हैं, और लो लाइट में भैया काफी अच्छे फोटोज आते हैं। तो रियर कैमरे से वीडियो क्वालिटी है 4K 60 FPS पे काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। ओवरऑल बताओ तो जो मेन कैमरा भैया वही मुझे बेस्ट लगा। बाकी जो अल्ट्रा वाइड है 2 मेगापिक्सल है, इससे ठीक ठाक डिसेंट फोटोज आते हैं, इतना खास नहीं है। और इसके कैमरे को अगर Nord 2 से कंपेयर करते हो, जो सेंसर है वो अपग्रेड है, और वो चीज आपको फोटोज में नोटिस डेफिनेटली होता है। इसमें MediaTek Dimensity 9000 चिप है, ये एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। अगर आपको इसको स्नैपड्रैगन से कंपेयर करना है तो आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से कंपेयर कर सकते हो, पर ये वाला स्कोर 1 मिलियन प्लस निकल गया है, लेकिन ये परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके है। ये थ्रॉटलिंग ग्राफ देखो पूरा ग्रीन है, सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज 86 है। नॉर्मल यूजर की तरह देखा जाता है ये थ्रॉटल नहीं करता, लेकिन अगर आप सेटिंग में जाके यहाँ से परफॉर्मेंस मोड इसको ऑन कर देते हो, अब आप इसका सीपीयू थ्रॉटल ग्राफ देख सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो जो सीपीयू है वो थ्रॉटल करता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर को थोड़ा सा अंडर क्लॉक किया गया है ताकि आपको थ्रॉटलिंग इशू ना हो, लेकिन असली टेस्ट तो दोस्तों रो गेम प्ले करके ही पता चलता है। अल्ट्रा एचडी में आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं ग्राफिक्स की बात करता हूँ तो भाई स्मूथ एक्सट्रीम पे मक्खन गेम प्ले, ऐसा कोई लैग नहीं है, नो फ्रेम ड्रॉप। अरे कहाँ जा रहा छोटू, ओए मरेगा तो मेरे हाथ से ही। अगर आप इसमें गेम खेलते हो स्मूथ एक्सट्रीम पे, इवन अल्ट्रा एचडी में, तो कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, मक्खन गेम प्ले है, इसलिए हल्का वार्म फील हो रहा है। इसके परफॉर्मेंस को अगर मैं OnePlus Nord 2 से कंपेयर करूं, डेफिनेटली एक बिग जंप है। बाकी इसमें जो मल्टीटास्किंग है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली। LPDDR5 RAM है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, 10 मल्टीटच है, 5000 mAh की बैटरी है, 80 वाट सुपरबुक फास्ट चार्जिंग है। बैटरी भी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। बाकी इसके अलावा 13 5G बैंड्स है, IP54 है, OxygenOS 13 है, एंड्रॉइड 13 पे बेस है, बट यस इसमें वो कलर OS फील है। अगर हम ब्लॉटवेयर देखिए तो भाई ब्लॉटवेयर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू के ऐप्स नहीं है, ये देखो एकदम क्लीन है। ये था OnePlus Nord 3। जितना भी फोन को मैंने टेस्ट किया काफी इंटरेस्टिंग पैकेज लेके आता है। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ फोन को मैंने जितना भी टेस्ट किया, आप इसको OnePlus का एक प्रीमियम मिड रेंज फोन बोल सकते हो। जहां तक मुझे लगता है भाई ये फोन अंडर 35,000 रुपीज में आने वाला है, शायद 32-33 हजार के आसपास आने वाला है इसका बेस वेरियंट। लेकिन अगर ये ऑफर लगा के कार्ड वार्ड लगा के 30,000 के आसपास मिल जाए, 30,000 के आसपास, भाई मजा आ जाएगा। काफी चीजें OnePlus Nord 2 के कंपेरिजन में इसमें अपग्रेड दिया है यहाँ पे OnePlus ने, जैसे कि जो डिस्प्ले उसको थोड़ा सा और बेटर कर दिया गया है, और जो मेन कैमरा उसे भी थोड़ा सा और बेटर कर दिया गया। परफॉर्मेंस सॉलिड मिलती है, सॉलिड गेमिंग कर सकते हो। सीरियसली बताओ फोन को देख के लग रहा है कि OnePlus इज बैक। लेकिन इससे भी अगर आप थोड़ी सी बेटर प्रीमियमनेस फील करना चाहते हो तो अंडर 40,000 रुपीज में OnePlus 11R भी है, उस पर आप एक नजर डाल सकते हो। आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट में बताओ यार, वो लाइक बटन है दबा दो, फैला दो वीडियो को। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।